बात बिहार के जेडीयू विधायक सत्ता बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल की। गोपाल मंडल पिछले कई दिनों से बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ हमलावर थे, निशाना साध रहे थे, और ऐसा हमला जिसकी कल्पना बीजेपी ने नहीं की होगी। बीजेपी ने यह नहीं सोचा होगा कि जिस गठबंधन में हम बड़ा भाई हैं तो हमारे छोटे भाई जेडीयू के एक विधायक हमारे बड़े नेताओं पर इतना तगड़ा हमला करेंगे। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा था कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पैसा वसूलते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो फालतू के डिप्टी सीएम हैं। और इससे एक कदम आगे जाकर उन्होंने सम्राट चौधरी को भी लपेट लिया। बीजेपी कोटे से मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको लेकर भी न जाने उन्होंने क्या क्या कहा। ये कहा कि चुनाव लड़े हैं क्या सम्राट चौधरी, उनकी क्या हैसियत है। बिहार के बीजेपी नेताओं का पारा गर्म हुआ, अपने बड़े नेताओं के खिलाफ लगातार जेडीयू की तरफ से आने वाली बयानबाजी से बीजेपी कोटे के मंत्री इतने नाराज हुए कि बीजेपी जेडीयू को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया कि जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करनी चाहिए जेडीयू को अपने विधायक के खिलाफ। और शाम होते होते बड़ी खबर आ गई, जेडीयू को बीजेपी की बात माननी पड़ी, डिमांड माननी पड़ी। जेडीयू ने अपने विधायक गोपाल मंडल को न सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया बल्कि उन्हें खूब फटकार लगाई। और अब खबर है सूत्रों के हवाले से कि विधायक जी पूरी तरह से साइलेंट मोड में चले गए हैं। दो तीन दिनों से जिस तरह से वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे थे और डंके की चोट पर ये कह रहे थे कि नहीं, मैं कार्रवाई से नहीं डरता, मैं जेडीयू का सच्चा सिपाही हूँ, मैं समता पार्टी के वक्त से जेडीयू में हूँ, मैं कुर्सी के लिए विधायक नहीं बना हूं, कार्रवाई का डर दिखा है जेडीयू विधायक के अंदर। साड़ी हेकड़ी निकल गई है, पार्टी ने फटकार लगाई है, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने फटकार लगाई है। भले ही वो बीजेपी के प्रेशर में ही लगाई हो लेकिन जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने जब फटकार लगाई है तो जेडीयू विधायक की हेकड़ी निकल गई है और जेडीयू विधायक अब पूरी तरह से साइलेंट मोड में है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो खबर यह भी है कि अब गोपाल मंडल पूरी तरह से उन्होंने चुप्पी साध ली है, पूरी तरह से साइलेंट मोड में है और मीडिया से भी बचते दिख रहे हैं। जो लगातार मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे, चैनलों पर आ रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और निशाने पर बस बीजेपी और उनके बड़े नेता होते थे, सम्राट चौधरी होते थे, तारकिशोर प्रसाद होते थे, वो अब नहीं होगा और नहीं हो रहा है क्योंकि गोपाल मंडल को फटकार लगी है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।